राम राम साधु को। आज सुबह ऑनलाइन क्लास में सर ने बीटा वैल्यू का जिक्र करा था, थर्मिस्टर की बीटा वैल्यू, जो कि उसमें लिखी हुई थी B4250। सर ने एक इमेज दिखाई थी, उसमें थर्मिस्टर के एक बीटा वैल्यू लिखी हुई थी B4250। ठीक है ना, आपको पता ही है जहाँ पे थर्मिस्टर है वहाँ पे एक कोई ना कोई डिवाइडर सर्किट बना होगा, जिसमें R1 तो कॉन्स्टेंट रखता है 100K का ही, या फिर कुछ भी वैल्यू होगी, ठीक है ना। और R2 हमारा थर्मिस्टर है जो कि हमारा 100K का है। अब क्या होगा आपको पता ही है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा इसका, थर्मिस्टर का, NTC का, ठीक है ना। तो जैसे ही रेजिस्टेंस घटेगा, तो जैसे यहाँ पे 100K का था थर्मिस्टर, 100K का ही हमारा रेजिस्टर था R1, तो यहाँ पे एक 0.9 वैल्यू वोल्टेज बन रही थी। अब जैसे ही क्या हुआ कि इसकी रेजिस्टेंस घटी, तो यहाँ पे वोल्टेज भी घटनी शुरू हो जाएगी, 0.5, 0.4, इसमें यार कुछ भी होगा, ठीक है ना। बात यहाँ पे बीटा वैल्यू की होती है। बीटा वैल्यू क्या होता है? बीटा वैल्यू यहाँ पे इस ग्राफ के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ग्राफ के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा ग्राफ बनाया, ठीक है। ये हमारी रेजिस्टेंस है और ये हमारा टेम्परेचर है। हमने सबसे कम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लिया, जो कि 28 डिग्री हमने ले लिया, ठीक है। और जो हमारी 28 डिग्री, यानी कि 28 डिग्री पे जो हमारा रूम टेम्परेचर पे हमारे थर्मिस्टर की वैल्यू थी 100K, 100K था हमारा थर्मिस्टर, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे। अब हुआ क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, मान लो मतलब बहुत हीट हुआ या फिर उसमें कोई शॉर्टिंग है जिस वजह से हीट हो जाता है, तो अब टेम्परेचर हमारा बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा। रेजिस्टेंस घटते 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 हमारा आ गया 30K पे, रेजिस्टेंस हमारा हो गया 30K, ठीक है। टेम्परेचर हमारा पहुंच गया 55 डिग्री सेल्सियस पे, 28 से 55 पहुंचा और रेजिस्टेंस हो गया हमारा 30K, ठीक है। तो बीटा वैल्यू एक मतलब ये कह लो कि एक फॉर्मूला के थ्रू जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने फॉर्मूला के थ्रू टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का एक तरीके से रिलेशन शो कर रखा है कि एक बीटा वैल्यू पहले से ही प्रिस्क्राइब मतलब डिस्क्राइब कर दी जाती है कि इतने, ये समझ लो कि जैसे ये घट रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि जितना हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, एक फिक्स वैल्यू है कि इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तो इतनी ही रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तो इतनी ही रेजिस्टेंस कम होगी, तो ये चीज़ दिखाता है। जैसे ही आप बीटा कैलकुलेटर डालोगे, थर्मिस्टर बीटा कैलकुलेटर, तो ये साइट आएगी NTC थर्मिस्टर ये वाली। तो इसमें जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे देखो, इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है मैनुअली करने के लिए, बाकी इन्होंने कैलकुलेटर दे ही रखा है। तो रेजिस्टेंस वन, यानी कि जिस टाइम हमारा 100K था थर्मिस्टर की वैल्यू, वो डाल देंगे। टेम्परेचर उस समय 28 डिग्री, और रेजिस्टेंस जब हमारा 30K हो गया, उस टाइम टेम्परेचर हमारा 55 डिग्री, तो एक देखिए 4406 बीटा वैल्यू इसकी एक आ गई ऐसे ही। तो ऐसे ही हमारे जो मोबाइल फ़ोन में है वो 4250 उसकी बीटा वैल्यू है। तो ये एक्चुअली ये आपस में इनका रिलेशन दिखाता है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का, ठीक है। किस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ने के हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस घटेगा, वो एक दूसरे का रिलेशन दिखाता है। थैंक यू, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा।